तेलंगाना है आजा तेलंगाना आयल गाना आपको पता जब माँ बन जाए तो फिर सभी काम आ जाती है। मैं आयलिंग नहीं थी करती थी पहले, करवा लेती थी लेकिन करती नहीं थी। तो अब जाहिर सी बात है बच्चों के ना बालों के लिए आपको पता करना पड़ता है उनके लिए। तो मेरे देवर हैं कराची में, तो वो ना वो बहुत लगवाते रहते, बहुत मैंने ऑयलिंग की उनके बालों में, और जब तक मैं उनके एक डेढ़ घंटा नहीं ना लगा लेती थी तो उनको सुकून नहीं मिलता। अच्छा, बहुत ज्यादा ऑयलिंग करवाई उन्होंने। अब मिलते हैं आते हैं नहीं नहीं, और नंदे वगैरह एक बाजी हैं वो मिलती हैं बस। अच्छा, बस वो बस उनके अपने भाई की जब डेथ हो गई तो उन्होंने पूछा ही नहीं। लेकिन ताल्लुक बांजी और भाभी से ख़त्म तो नहीं ना हो जाता? नहीं, वो भतीजी की बारात पे मैंने बहुत मुश्किल से बुलाया था, उस समय ना उन्होंने हमारा दिया नहीं शेयर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, शेयर नहीं दिया उन्होंने हमारा, ये तो गलत बात। तो बस वो शर्मिंदगी की वो सेल करके ना दोनों भाइयों ने, हाँ जी, तो वो खुद ही उन्होंने स्पेंड कर लिया तो, और हमें एक रुपया भी नहीं दिया, हम दोनों माँ बेटी को निकाल दिया। पुफियाँ वगैरह पप्पो एक मिलती है ना बाजी, मेरी ताया की बेटी भी है वो। अच्छा अच्छा, मेरी शादी ताया के घर हुई थी अपने। ठीक, तो फिर वो बस उन्होंने जब उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने फिर हमें रखा ही नहीं माँ बेटियों को। कश्माला इतनी थी, तो छोटी सी थी, हाँ मतलब 6 क्लास में थी, तो उसकी बस जरा ग्रोथ कमी हो रही थी तो बहुत छोटी छोटी लगती थी वो। 6 में आके भी सब कहते थे 6 में। अब सही है, अब माशाल्लाह बहुत उठान उसका तो है, ऊंची लंबी है। अच्छा, 5 फुट 3 इंच नहीं 4 इंच उसका कद है। आपकी भी सही है, आपसे लंबी है मेरी। हाँ मेरे से लंबी, मेरी कम हो गई लगता है मुझे, कम हो गई है। नहीं नॉर्मल हाइट है, मतलब छोटी नहीं है, लंबी है। आपके बालों में मैंने अभी लगाया तो फौरन रच बस गया। हाँ, मैंने बताया ना थोड़े से भी, और दूसरा ये कि मैं करती ही नहीं ऑयलिंग, और मुझे पता है इस चीज़ का नुकसान बहुत है, और मैं एडवाइस दूसरों को करती हूँ कि बेटा ऑयल लगाया करें, और खुद लगाती नहीं। और अपने बच्चों को भी कहती हूँ स्कूल में कि बच्चों ऑयल लगाया करें, आपको मम्मा का कहना माना करें। कहते टीचर सुबह को फिर नहाने में देर हो जाती है ना, वॉश करने में, शैम्पू करने में। मुझे वैसे याद है मेरा स्कूल टाइम जो था, मैं तो ऑयल लगा के चली जाती थी। सर दबा रही है मेरा आ नहीं रही आपको है ना, आ नहीं रही ऑयलिंग करनी। तो फिर इस तरह कर रहे हो ना तो हाँ। मेरा दिल करता मैं सो जाऊं, नींद आके ना जो भी कर रहा हूं उसकी गोद में बस गिर जाऊं और सो जाऊं। अच्छा, अम्मी जब मैं छोटी सी थी ना तो मेरी अम्मी अक्सर मेरे बाल में ना जुएं वगैरह देखती थी, तो मैं उनकी गोद में सोई पड़ी होती थी। ऐसा होता फिर वो मुझे उठाती थी कि उठो तुम सो गई। मैंने कहा अम्मी मुझे पता ही नहीं चला। तो जब तक उनके हाथ रहे ना मेरे बालों में, मेरे बहुत अच्छा रहा बालों का सिस्टम। तो यही है ना फिर केयर पे आके आपकी सारी बात, केयर बस केयर मांगती है ना हर चीज इंसान की। तो वो बस फिर केयर छोड़ दी तो हो गया सब कुछ। अच्छा, पकाने का क्या प्रोग्राम है आज? पकाना क्या है आज? पुलाव का ही मूड है। अच्छा, यही पुलाव। अच्छा, आजकल के बच्चे ना बिरयानी को बहुत लाइक करते हैं। बिरयानी अब हमारे दौर में ही होता था कि पुलाव बनता था। हाँ जी, ऐसा ही है। और यखनी बना के पुलाव बनाई जाती थी, और वो वाइट कलर की होती थी। अच्छा, नहीं अम्मी वगैरह मुझे याद है ब्राउन ही, मतलब मैंने कलर निकाला है ना इससे भी डार्क। वो प्याज लाल कर ले ना, तो जब प्याज हम ज्यादा लाल करेंगे ना, ऑनियन हाँ जी रेड ब्राउन कर लेंगे जी, तो फिर उस पर कलर आता है। ऐसा ही है, सही है। तो आजकल के बच्चे बिरयानी जानते हैं, बड़ी खाते हैं, चाहे बड़ी स्पाइसी भी हो ना। हाँ। तो बच्चे ऐसे आंखों से पानी निकल रहा हो, ये मेरी बेटी को बड़ी स्पाइसी। अब वो कल मेरी भांजी है तो उसने मुझे यही कहा, कह लगी कि वो आंटी आई है ना मामा बिरयानी बनाए। अच्छा, जबकि मुझे ना बिरयानी का इतना क्रेज नहीं है, ना चावलों का ना, मुझे पर्सनली खुद भी वैसे पसंद है, लेकिन अच्छी बनी हो। अच्छी बनी हो बिरयानी भी और पुलाव भी। हाँ, तो वो फिर इस तरह करके ना, वो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और अच्छा, शौकीन वो खुद है चावलों की, आपकी मेरी भांजी सिस्टर, वो शौकीन बहुत है चावलों की, और बड़े एवन बनाती है। तो मैंने फिर तो उनके में हमें छोटे ही हैं ना, छोटे ही हैं। हाँ, कितनी सिस्टर हैं आप लोग? मेरी तो है ये एक ही है, दो ही बहनें हैं बस। हाँ, तो इसका मतलब आप लोगों की बच्चियां तो फिर एक माला है तो दो इनकी हैं बस, और ये भाई का है। और बड़े भाई है ना जो मेरा मुझसे, हाँ जी, उसकी 4 बेटियां हैं माशाल्लाह, और वो एक बेटा है उसका। नहीं ये अबरीश वगैरह का भाई नहीं है? नहीं, अच्छा। 2 ही है। ये 8 ईयर्स के बाद अपनी मम्मा के आई थी हूर, बड़ी बेटी का नाम है हूर। अच्छा, छोटी का अबरीश। तो माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं, आप मिलेंगी ना उनसे बड़ी खुशी होगी आपको, बहुत अच्छी हैं। अच्छा हाँ, बेटियां तो आपको पता वैसे वही, मुझे तो वैसे भी बच्चों से वैसे बहुत प्यार है, बेटे हों या बेटी। मैंने ये जायना थी ना जब होने वाली थी तो मेरा ये दिल था कि अल्लाह ताला मुझे पहले बेटी दे। हाँ। अभी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि पहले बेटा हो जाए, बेटे को ज्यादा ससुराल में अक्सर यही होता है जी। हाँ। बेटा हो, और वो ससुराल में नहीं, ओवरऑल में बात कर रही हूँ, ओवरऑल के अलावा ससुराल वाले यही कहते हैं। तो मैं कहती थी कि अल्लाह ताला ना मुझे पहले बेटी दे, क्योंकि आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला जब जिससे बड़ा खुश होता है उसको बेटी एक रहमत है। हमारे नबी पाक के पास भी अल्लाह ताला ने बेटी दी, क्या अल्लाह पाक नबी पाक को हमारे दे नहीं सकता था, दर्जनों बेटे दे देता, लेकिन हमारे अल्लाह पाक ने नबी पाक के लिए बेटी को रहमत करार दिया। और फिर जो औरत जब पहली बेटी पैदा करेगी उसके लिए वो बड़ी बरकत वाली होती है बेटियाँ। वो मैंने एक जगह में पढ़ रही थी कि एक आदमी ने लिखा, कोई जगह लिखी थी किसी कहानी या कोई किसी की कही हुई बात, कि एक आदमी कहता है कि मैं तो शुक्र करना वा कि अल्लाह ने मैंने 3 नहीं दी। हाँ हाँ, वो एक आई थी। हाँ। टिकटॉक पे ये तो वो। हाँ। फिर दूसरा बंदा कहता है अल्लाह ताला को पता था कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें बेटी, अल्लाह ने तुम्हें बेटी नहीं दी। नहीं, बेटियां तो रहमत होती हैं अल्लाह पाक की तरफ से, और वो घराना खुशकिस्मत होता है जब बेटियां हों। बेटे माशाल्लाह रहमत, बेटे निमत हैं, बेटियां रहमत हैं। रहमत का हिसाब नहीं, निमत का हिसाब होगा। सही है, सही कह रही हैं। तो जरूरी दोनों, लेकिन ये कि दोनों चीजें होनी चाहिए। लेकिन फी जमाना आपको पता ज्यादातर लोग जो है ना बेटों की वजह से बड़े परेशान हैं। ऐसा ही है, और फिर वो बेटे क्या करते हैं बड़े होके, किस्मत से ही माँ बाप को वो खुश रखते हैं। सही कह रही। बेटियां तो पराए घर जाके भी माँ बाप का ख्याल करती हैं। सही कह रही। और जो बेटे होते हैं वो पास रहकर भी नहीं ख्याल करते अपने। ऐसे ही अच्छा, ये तेल लगाए हैं आपके बालों में से वो नहीं है। हो रही है खारिश? नहीं, खारिश होगी तो डैंड्रफ से होगी, जुए हैं तो बस। आई नहीं लग तो रहा है। हाँ आ गई होंगी। हाँ निकली है। अच्छा अच्छा आपकी, और क्या अच्छी बात है ना, निकल जाए। ये तो बढ़ती है ना तो बढ़ती जाती है। अच्छा, उधर मुझे घर में नहीं नजर आई है, शायद इधर रोशनी है, यही वजह होगी। बाल भी टूट रहे हैं बहुत, मैंने बताया ना कि गिरते बहुत हैं बाल। नहीं वो ब्रेक कंघी का भी आप कह रही हैं ना? हाँ ऐसे ही है, प्लास्टिक से बाल टूटते हैं। निकली एक और मोटी। अच्छा अच्छा जहाँ हारिश हो रही है ना वहाँ मुझे बताएं। अच्छा यहाँ सेंटर में देख लें, खारिश तो होती तो मैं ऐसे करती ना, खारिश नहीं हो रही, सेंटर में देख लें। ये बारीक धक्के जो होती है ना, बारीक निकली है और एक मोटी भी है। हाँ। अभी तक जिंदा है। अच्छा मारा भी है फिर भी जिंदा, इतनी ताकतवर अबरिश की है ना, अबरिश की है। कल ना उनके जो मालिक मकान है ना ऊपर, हाँ। उन्होंने ना वो बच्चों को पकड़ पकड़ के जुएं देखती हैं उनके दोनों के ना बहनों के, तो छोटी उनके ना हाथ आ गई, तो उसने ना इतनी जोर से बालों में ना कंघी की या पता नहीं धाक उठाई ना, रोती भी नीचे आई। अच्छा हाँ, उन्होंने कहा बैठो मैं तुम्हें देखती हूँ। कल भी टॉपिक चल रहा था तो वो उसको जो है ना बहुत ज्यादा तकलीफ हुई ना, पता नहीं उन्होंने कह लेंगे चमड़ियां ऐदे नाल ना तक्का चमड़ियां संद में चुकियां तो अगर रोन लग गई, तो वो कहते हैं मैंने कोई नहीं दिखानी ये वो, तो वो कहती मामा उसकी कहती बेटा कोई बात नहीं आपका बाल सर साफ हो जाएगा। अच्छा। मैंने नहीं दिखानी, मैंने नहीं दिखानी। मैंने कहा अच्छा कोई नहीं पालो बेटा, मैंने कहा पालो तुम कोई बात नहीं। अच्छा तो वो दिखवाती ही नहीं सर, लड़कियां ना दोनों बहनें जो है ना वो फिर हाथ ही नहीं लगाने देती, वो फिर रात को उसका बाप आएगा। मुझे वैसे याद है मैं भी जब बचपन में थी ना, हाँ तो मैं भी नहीं दिखवाती, नहीं दिखवाती ना, बच्चियां भाग जाती हैं। अच्छा बड़े हो के हम कहते हैं जी हमारा कोई सर ही देख दे, कुछ भी ना कार्य हो तो वैसे कहते बंदा सर ही देख दे कोई। यहाँ वो पता चल गया ना कि अब आ गई बालों में जुए, तो वो फिर बारिश शुरू हो जाती है वहम से भी। वो है मुझे याद है जब मैं तो वैसे नानों के घर रहती थी तो खलाएं निकालती थी कि अम्मी के पास आना करना ना, हाँ। हम लोग सारे नहीं दिखाना करना, अम्मी ने रात की रोशनी में जला के ना लाइट जीरो, माओ को बहुत वहम हो जाता है। हाँ। तो बारीक कंघी पकड़ लेनी, तो अब तो मतलब अम्मी का नहीं अब होता, मतलब उनको ये होता है कि मेरा अब ये देखें क्योंकि उनको अब सही नजर नहीं आता। हाँ वो जो जैसे जैसे एज आती है तो आई साइड वीक हो जाती है ना, इस वजह से फिर वो बाल भी हल्के हो जाते हैं, आई साइड वीक हो जाती है, बस उम्र के साथ साथ ही है ना, एज वाइज सब कुछ होता है। अच्छा एक ये बड़ी चीज है, किसी का सर देख रहे हो ना तो आपके सर में भी खारिश शुरू हो, ऐसा ही है बिल्कुल ऐसे ही लगता है, वहम हो जाता है ना। हमारे ऊपर मच्छर भी बहुत ज्यादा आना शुरू हो, बस अब ये शाम हो रही है ना, खुला एरिया है ना। हाँ अच्छा आगे से निकली है। अच्छा तीनों। अच्छा और आपकी मेहंदी भी साथ साथ निकल आई है, वो कलर आता है ना। हाँ। मैं वो वाली लगाती हूँ ना, केमिकल वाली नहीं ना लगाती, ये जो आम परचून की शॉप से मिलती है ना। हाँ जी। मैं वो लगाती हूँ, लेकिन उनमें भी पता नहीं क्या जैसे जर्दे का कलर नहीं होता। हाँ वो आता रहता है बालों में शैम्पू करने के बाद भी। अच्छा असल में ना एक दादी का रोल मैंने किया था, तो उन्होंने ना मेरे केमिकल ऐसा लगाया बालों में बिल्कुल वाइट कर दिए थे, तो वो जो है ना उस केमिकल के बाद जो है ना मेरे काफी बाल वाइट शुरू हो गए ना। मेकअप वगैरह करते हैं आप लोगों को ये? हाँ करते हैं, ड्रेसिंग भी दे देते हैं बाजुकात तो। अच्छा हाँ ब्यूटिशियन अगर जरूरत है मेकअप की। अच्छा। तो वो फिर कर देते हैं, और अगर ऐसे ही ले रहे हैं जैसे कोई ऐसा खास सीन नहीं है, जैसे कोई डेथ का सीन है, कहीं फौतगी का सीन दिखाना है, तो उसमें जो है ना फिर उसमें जरूरत ही नहीं होती, लेकिन लाइट लाइट सब वो कर देते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा पुलिस का रोल है, डॉक्टर का रोल, फिर वो प्रोवाइड कर देते हैं ड्रेसेस। हाँ लेकिन अगर ऐसा है ना तो फिर वो नहीं है। हाँ जैसे कोई बीमार उधर ही करते हैं चैनल में ही सेट लगाए हुए होते हैं चैनल के अंदर, आउटडोर भी चले जाते हैं जैसे कैरेक्टर की या और सीन की डिमांड होती है। वो वैसे इनको फिर करना पड़ता है। अच्छा। काफी जगहों पे हम लोग गए हैं। इधर नहीं किया ये जो आर्ट का है, क्या नाम है इधर? अलहमरा है? अलहमरा, अलहमरा, हाँ अलहमरा में नहीं, यहाँ सीन नहीं होते, यहाँ तो सिर्फ एक हॉल्स है ना, हॉल। अच्छा? होते हैं हाँ, यहाँ तो सिर्फ एक कभी नहीं गई अभी तक यहाँ। आप ना बच्चों को लेकर जाइएगा, आप नहीं मुझे पता हसीब पाशा साहब का होता है एक। अच्छा। ऐनक वाला जिन अभी भी होता है? हाँ, वो तो पुराना नहीं था, टीवी पे पीटीवी पे लगता, वो अब उन्होंने ना उसको चेंज करके ना थोड़ा सा, तो इस स्टेज पे हॉल नंबर 2 में या 3 में होता है। कितनी देर का होता है वो? 1 घंटे का। बच्चे बैठे होते हैं, 2 से 3 बजे तक तो होता था संडे का प्रोग्राम। अच्छा। तो मेरा भी काफी दिन हो गया आना नहीं हुआ इधर। अच्छा। और फिर यहाँ पे सलीम बिस्मिल साहब हैं, उनका एक होता था अलादीन का चिराग, उसमें अच्छा। मेरी बेटी ने शहजादी का रोल किया हुआ है। अच्छा। 3 प्रोग्राम उसने किए थे, तो फिर उसकी स्टडीज स्टार्ट हुई भी थी, लेकिन मेरे एग्जाम करीब आ गए थे, तो फिर मैंने कहा जी ठीक है। वो कहती जी मेरी स्टडी पे वो हो रहा है, फर्क पड़ रहा है, डिस्टर्ब हो रही है स्टडी। मैंने कहा जी छोड़ दो। फिर उस टाइम में किया हुआ है। हमें किस चीज़ में किया है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हाँ, उसकी मैथ की टीचर लग सकती है। मैथ की, साइंस में मैट्रिक किया हुआ उसने, तो ग्रेजुएशन उसका 2nd डिवीजन में। क्या करता है उसका? हाल रोड में होता है। अच्छा। मोबाइल शॉप नहीं, ये जो एलईडी प्रिंटिंग फ्लैक्स नहीं होती, एलईडी लाइट्स। जी 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 हाँ, उसमें वो तैयार करते हैं। ठीक ठीक, ऑफिस में है ना। ठीक ठीक, वो भी पढ़ा है? हाँ पढ़ा लिखा है, लेकिन उसने एमए नहीं किया, उसने एफए किया हुआ है। हुनर जो है ना, हुनर मर्दों के लिए बहुत ज़रूरी है, टेक्निकल वर्क, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करता है, बड़ा कारीगर लड़का है, बच्चा है बहुत अच्छा। बहुत ही मुझे खुशी होती है दोनों को देख के, बड़ा खुश रहते हैं माशाल्लाह, अंडरस्टैंडिंग बहुत है। अल्लाह ताला अंडरस्टैंडिंग, बस अल्लाह ताला उनको 2 बेबी दे देना, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से, इंशाल्लाह तो वो लाइफ कंप्लीट हो जाए। हाँ जी, अल्लाह के घर में बस देर है। हाँ क्यों नहीं, इंशाल्लाह। मैं आप को सुकून मिला बहुत, अल्लाह ताला आपका भला करे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरे आपने ऑयलिंग की, जुएँ निकाली, और बस इस चीज़ का अल्लाह ताला आपको बहुत अजर देगा। खुद से तो ये मैं कर ही नहीं सकती काम, सही है, तो इसके लिए फिर मैंने कहा चलो आज मैं सबा जी से इसकी हेल्प लेती हूँ। अच्छा। और सबा जी से अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। अच्छा। और हमारा अच्छा टाइम भी गुजर जाएगा। अच्छा। और हम जो है ना कर दूँ कि कैचर नहीं लगा दूँ? कैचर बस, इनका क्या बनेगा स्टाइल, 4 बालों 4 बालों का स्टाइल क्या बनेगा। ठीक हो गया। चलिए, मेरा सर जो है वो जुओं से पाक कर दिया, और मेरे आपके लिए मेरी तरफ से बहुत दुआएं हैं, और आपने मेरे लिए बहुत मुझे काफ़ी दिन तक इस चीज़ का सुकून रहेगा, और मुझे खुशी होगी कि मैंने आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, और हम नेक्स्ट टाइम भी आप कीजिएगा। ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।